मम्मी लास्ट टाइम जब आए थे मिदा ने बनाई थी मैंगो टर्किश पुडिंग और अब्बा को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। सो गाइस लोग आ गए, आइडल भी आ रही है, नौशीन मम्मी भी आ रहे हैं, तो नौशीन ने डिसाइड करी है कि वो हमारे साथ ही शिफ्ट होने वाली माँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नवजग बड़ी छोटी सी दुनिया में। फाइनली हम लोग किचन में ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग को पता नहीं होगा कि आज क्या है, तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने हमारे जो घर वाले हैं उनको दावत नहीं दे पाए थे किसी रीजन की वजह से। रीजन किसी रीजन क्या है यार, एक ही रीजन है, घर पे काम चल रहा है इसीलिए हम लोग दावत नहीं दे पाए, वो लोग आ नहीं पा रहे थे। बट गाइस रमजान खत्म होने आ गया है और गाइस आज अलविदा जुम्मा है, तो आप सभी को अलविदा जुम्मा मुबारक हो। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम लोग बोले कि आज उनको बुला लेते हैं। नहीं दिख रहे हो तुम उस तरफ, तुम इतने बड़े होने तुम कहीं भी दिख जाओगे ना। लोगों को मजा आती है, मैं तुमको रोज करता हूँ तो तभी मेरे को रोज करना पड़ता लोगों की फरमाइश, वरना मेरे को शौक नहीं तुम्हारे को रोज करने का। तुम ऐसे भी करते हो, बिना कैमरे के भी करते हो। चलो हाँ, ये लोगों की फरमाइश मत बताओ तुम मेरे को, बिना कैमरे के भी गाइस ये बहुत रोस्ट करता है मेरे को, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सब कुछ। तुम्हारी शक्ल ही रोस्टिंग वाली, मैं क्या करूँ बताओ, इतनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी। देखो अभी फिलहाल है ना, क्या बोलूँ तुम्हारे को कि मैं ना अभी मदर, न्यू मदर बनी हूँ, तो मेरा दिमाग है ना थोड़ा बहुत उसमें रहता है, समझ रहे। जब मैं थोड़ी स्टेबल होंगी ना तब टक्कर की बात होगी। सही बात है, टक्कर मारना नहीं भाई, सर्वर फट जाएगा मेरा, तुमसे टक्कर नहीं खाने का मेरे को। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ अम्मी का फेवरेट मैंगो टर्किश पुडिंग है। यस गाइस, मम्मी लास्ट टाइम जब आए थे मिदा ने बनाई थी मैंगो टर्किश पुडिंग और अब्बा को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। यस गाइस, मिदा बना रही है मेरी फैमिली के लिए इफ्तार की दावत, माशाल्लाह। गाइस हम लोगों ने जो जो रेसिपीज बनाए थे मिदा वही चीजें बना रही है लाइव, मम्मी अब्बा और नौशीन दानिश को खिलाने के लिए। मम्मी ने अब्बा ने बोले थे कि मेरे लिए बनाना। यस, यहाँ पे आज बनने वाली है प्रॉन्स लॉलीपॉप, और बनने वाला है दिल खुश कबाब, और बनने वाला है मैंगो पुडिंग, और ये क्या रहता है कस्टर्ड के लिए क्या? नहीं, ये सिर्फ फ्रूट काट के रखी है। अच्छा, ऐसा सिर्फ फ्रूट काट के रखी हो। और क्या है अपना? फालूदा। और फालूदा। यस गाइस, तो सब के सब बता की है। और चीज रोल्स, नगेट्स, चीज रोल, नगेट्स, चलेट्स। हमारे जोहान का यहाँ पर धांधली चालू हो गई है, अब लगता नहीं रेसिपी बन पाएगी। गाइस अब मिदा को सरप्राइज, मम्मा हम लोग आ गए, ये उड़ गया। दिन 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 टिक दिन 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 मम्मी को डिस्टर्ब करने हम लोग आ गए, मम्मी को डिस्टर्ब करने आ गए। दिन दिखा रही हूँ उसको, रात दिखा रही हूँ ताकि उसको रात में नींद आए और दिन में वो जागे। सो गाइस हम लोगों ने जोहान का जो है वो नया रूटीन स्टार्ट किया है। हमें पता चला है कि जोहान को डे और नाइट का कंफ्यूजन हुआ है, उसको लग रहा है कि दिन में सोना है रात में जागना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रात में ऐसा एनवायरमेंट कर दे रहे हैं कि मतलब ऐसा लगा रहे कि घर में ना गाइस पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई है, ताकि उसको लगे कि भाई रात में सोना है। और दिन में उसको हम लोग थोड़ा जगाते हैं, धूप दिखाते हैं, लाइट में रखते हैं, लाइट में खेलता है, उसको पता चले कि धूप में लाइट में उसको जागना है, अंधेरे में उसको सोना है। ठीक है गाइस, बच्चे नए होते ना उनको बहुत चीजें समझानी पड़ती क्योंकि उनको नहीं समझ में आता। गाइस देख लो पूरा सब मुन्नी जग जग के देख वो देख रहा है किचन में क्या बन रहा है। वो नहीं ऐड आती है, आज खाने में क्या है मामा? पास्ता। आखिरी रास्ता। तुम्हारी फेवरेट मुझे पता है क्या आएगी? क्या आएगी? मैंगो क्रीम। मैंगो क्रीम, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही मैंगो जैसी है, तो तुम उसकी फेवरेट हो ना इसके लिए। तो गाइस बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हम लोगों को उम्मीद थी कि हम लोग जीतेंगे, तो यस गाइस बुरा मत लगाइए गाइस, आप लोग अगर नहीं जीते, हम लोग भी कभी लाइफ में नहीं जीते, हम लोग कभी हाउसी में नहीं जीते, मैं तो कभी नहीं जीता, फिर भी जीती है हाउसी वगैरह मैं जीता। तुम जीते हो ना, मैं तो लाइफ में आज तक नहीं जीता है, बट कोई बात नहीं, बुरा लगाने वालों की बात नहीं है। हारे हुए को ही कहते हैं, हारे हार के जीतने वाले को कहते हैं। यस गाइस, इस बार अगर आप लोगों को चांस नहीं लगा तो मे बी नेक्स्ट टाइम चांस लग जाए गाइस, इंशाल्लाह कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और गाइस यहाँ पे निदा ने चीज का पहाड़ बना दी, क्या है ये चीज है इतनी सारी? इतनी सारी लगती दिलकुश कबाब में। पिछली बार तो डाल नहीं सारा, तो मेरे कंजूस औरत, आज ससुराल वाले आ रहे तो शाना तुम बराबर भर भर के चीज डाल रहे हो। हाँ ये क्या नाइंसाफी है, तुम्हें ना मेरे को नेगेटिव कमेंट मत दिलाओ, नेगेटिव कमेंट दोस्तों के लिए, ससुराल वालों के लिए कभी कितना बुरा। सही बात है ना, ससुराल वालों के लिए ज्यादा ही करना पड़ता, दोस्तों के लिए करो नहीं, दोस्त दोस्त ही रहते, ससुराल वाले ससुराल रहते, फैमिली भी होती है, बट फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं, फ्रेंड्स फैमिली। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमको हेट कमेंट दिलवाना चाहता हूँ, नहीं मिलने वाला इस बार, क्योंकि गाइस पहले निदा को हेट करते थे तो कमेंट डाले थे 1500-2000, अब निदा को हेट नहीं करे तो कमेंट आ रहे 500-600। व्हाट इज दिस नॉनसेंस एंड जॉनसन बेबी पाउडर, मेरे को कमेंट चाहिए 1500-2000। हेट हेट क्या करूँ, कोमलिका बनू? बन जाओ कोमलिका, वो कैरेक्टर ले लो, ले लो। चलो ठीक है, देखो गाइस यार लिटरली
लिटरली देखते ही देखते रमजान खत्म होने आ गया गाइस। लिटरली इतना बुरा लग रहा है, बरकतों का महीना इतना फास्ट चला गया गाइस। आज अलविदा जुम्मा है, मतलब ये लाइफ में से पहली बार हुआ होगा कि रमजान की निशानी है, ये निशानी। और गाइस साइंटिफिकली भी अब ये प्रूवन हुआ है जो हमारे नबी ने कहा था 1400 साल पहले के जो दुनिया है वो साल जाएगा महीनों के बराबर, महीने जाएंगे हफ्तों के बराबर, हफ्ते जाएंगे घंटों, दिन के बराबर दिन जाएंगे, घंटों के बराबर घंटे जाएंगे, सेकंड के बराबर। और गाइस लिटरली वो हो रहा है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि हमारा जो अर्थ है वो नॉर्मल उससे फास्ट रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया बहुत फास्ट चलने लग गई है। तो गाइस बस अल्लाह हम सबकी दुआ इबादत कबूल करे, हमारी जो गुनाह है वो माफ कर दे, और जो गाइस मरहूम हो चुके हैं उनको भी गाइस जो है वो कब्र के अजाब से बचाए, और हमारी भी आखिरत गाइस अल्लाह सवार दे। बस अस्तगफिरुल्लाह, बस यही कहना चाहेंगे। जब भी आप कुछ सोचो या गलत सोचो गाइस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, हम भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत जरूर डालेंगे गाइस। ऐसा नहीं है कि आप हम लोग जो आपको बोल रहे हम लोग करते ही है, बट कोशिश करते हैं कि हम लोग आप लोग को बताएं, उससे हमारे दिमाग में भी ये चीज है कि हमें भी करना है, आप लोग भी करोगे तो हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, और अपने बोले से अगर कोई करता तो उसका सवाब भी हमें मिलता है। तो गाइस चलो फटाफट वेट करते हैं, मम्मी लोग क्या नीता मेरे खाते पर बना के सब रख देंगे। क्या फास्ट फास्ट हाथ चलाती है टकली, पागल बोल रहे, पागल तुम 10 बार पागल बोल चो, तुम पागल हो गए। हाँ ये बात तो सही बोला है, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। झिंगा फेंक के मारूंगी समझे ना। सो गाइस नौशीन ने जो ईदी दी थी जोहान को, हम लोग बोले थे कि अलविदा जुम्मा के दिन उसको पहनाएंगे, तो आज है तो उसको पहना के देखते, और नौशीन और मम्मी लोग का और पालो का भी रिएक्शन देखते कि उनका रिएक्शन क्या होता है जोहान कुर्ते में देखने के बाद। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली जोहान को लग गई भूख और उसने कुर्ता नहीं पहना, खाली इजार पहन के चला गया और नंगा अंदर ही। मम्मी लोग भी आ चुके हैं नीचे, बस मुझे नोटिफिकेशन आया था कि लोग की एंट्री हो चुकी बिल्डिंग में, नीचे लिफ्ट में भी हो सकता है कि ट्रैफिक हो, क्योंकि गाइस सब लोग ये टाइम पे इफ्तारी में चढ़ते उतरते हैं। तो गाइस उसका कुर्ता मैं यहाँ पे निदा के पास छोड़ के जा रहा हूँ, वो रो रहा है अंदर निदा, तो यू कैन टेक ओवर हिम। बस बेटा बस आ गए है क्या, पागल लड़का है। तो गाइस चलो, पागल नहीं बोलो, माँ पागल, उसकी माँ पागल। सो गाइस लोग आ गए, आई गर्ल भी आ रही है, नौशीन मम्मी भी आ रहे हैं, खुद भी व्लॉग चालू करके आए गाइस वहां पर। ये सरप्राइज, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइजल आइजल तो भी पहचानती नहीं लगता मेरे को, तुम लोग कितना नींद में आए, लेकिन भाई ऐसा नींद नींद में दिख रहा है तुम लोग, उठे और आ गए, डायरेक्ट उठ गया है। ए मम्मी, मम्मी के हाथ में इतना सारा सामान दे गया तुम लोग, पक्का ब्लॉग चालू होते हैं मम्मी एक्टिंग करना चालू कर दो। मम्मी झिलवा बुरखा पहन के आए हो, अच्छा किए तुम पहन के आए, नहीं तो हाँ देख रहे थे ना, अलग ही लगे सब, अच्छे लग रहे ना, देखे फिर तू क्यों नहीं पहनी थे बस भी तो है। अरे मैंने रख दी पलंग के अंदर, और ये था मैं तो पलंग के अंदर रखने के लिए लिए तूने, नहीं तो झाड़ू पोछा मार देना तो सब सामान अंदर रख दी, और ऐसे में जरा भी चढ़ गई रस्ते में, और भाई जा रही मेरा पहने तो गाइस मैं इन लोग को एक चीज तो पूछना ही भूल गया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं ये पूछना भूल गया कि अब्बा ही नहीं आया यहाँ पर, तुम लोग तीन ही दिख रहे, अब्बा क्यों नहीं आए, लेकिन इसे पूछ क्या अब्बा क्यों नहीं आए, लेकिन भाई जो भी है तकलीफ तो बात कर ले, कौन सी तकलीफ, मैंने क्या किया अभी, क्या हो गया आइजल, क्या हो गया, नाना क्यों नहीं आए, बोले कि जब्बा जब्बा जब्बा, हाँ लेकिन अब्बा आए क्यों नहीं, गाइस ये क्या, एक तो अब्बा का परहेज है नवी मुंबई से, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या काटता है यहाँ पर, आने को ही नहीं चाहिए, बोलो क्या बोलेंगे अभी बताओ, घर बनाऊंगा तुम लोग के लिए, तुम लोग यहाँ पे घर बना रहे हो उसके लिए, तुम लोग वहाँ पे आ जाओगे, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। तो गई यार, फाइनली जोहान हो चुका है रेडी कुर्ता पहन के, और अब वक्त है रिएक्शन लेने का, ये लोग का जो नौशीन ने ईदी दी है जोहान को, माशाल्लाह से जोहान रेडी, तो गाइस दिल तान के बैठिए, जोहान आ रहा है, ढन 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 घंटड़ा डन डन डन, जुम्मा मुबारक, आइजल भी देख रही है, आइजल देखो आइजल। तो गाइस जोहान ने जुम्मा मुबारक, हमारे पठान साहब आ गए, आज वाइट पहना है, हंसती है आज, कैसे हंस रही है, कैसा देख रही है, जल रही है, बोली मेरी माँ किसी और को प्यार कर रही है, तुम जाओ चलो जाओ, बाय बाय, मैं लेके जाऊँ
सो गाइस ये दोनों लेडीज रुको 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 गाइस ये दोनों लेडीज किचन में भाग रहे। किचन में जाने से पहले मैं आप लोग से सवाल करना चाहता हूँ, गेस करो कि निदानी इफ्तारी में दावत के लिए क्या बनाई रहेगी? क्या बना रही, गेस करो। एक चिकन कटलेट जो सबके फेवरेट है। गलत जवाब, गलत जवाब बेटा, वो ट्रेंड बदल गया है। और नहीं गलत, नहीं नहीं कुछ और है। गैस 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 गए गलत, नहीं मोमो। अच्छा वो चिकन का जो घर पे बनाए थे अपने वो लपेट के क्या? नहीं, हाँ दिल खुश कबाब। यस गाय, दिल खुश कबाब। और गाइज आप लोगों के लिए है प्रॉन्स लॉलीपॉप, तो चलिए अंदर। इरशाद फरमाइए, केएफसी चिकन भी है? ये तो तुमने बताया नहीं मेरे को नीता। क्या केएफसी दानिश को? देख लो साहब, तुम लोग मम्मी को पसंद था ना स्पेशली, मम्मी के लिए स्पेशली बना रही नीता। और एक और एक चीज है मम्मी की फेवरेट, ठीक है अब्बा के लिए भी, बट अब्बा आए नहीं अनफॉर्चुनेटली। नहीं मैंगो, नहीं मैं इटालियन मैंगो क्रीम। अबे मैंगो डॉली, गरीब औरत तुम्हारी गाड़ी बस ये अभी कोटिंग हो जाएगा, फिर फ्लाइंग चालू। मोटिंग कोटिंग कर रही है। तो गाइस फाइनली इफ्तारी का वक्त होने आ गया, और जब भी इफ्तारी का वक्त होता है तो मम्मी हमेशा मुझे कॉल करते हैं अजान के टाइम। मम्मी अब कौन कॉल करेगा बताओ, तुम तो तुम भी यही हो। अच्छा अब्बा कॉल करेंगे, बताओ जो जियो। मम्मी हमेशा कॉल करते हैं, मम्मी को ही कोई कॉल करेगा बताओ, क्या दिन आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर थोड़ा हाथ बटाने के लिए सासू माँ खड़े हो गए है। और बहू रानी क्या कर रहे हो? बस ये बस और ट्रेन मत करो बेटा, फटाफट करो, ज्यादा भूख लग रही है। बन गया पहली बार कड़क हुआ ना, ये मिल्क पड़ा अलग से जब बहुत हैवी। एक तो पहले से भैंस उतर जा रहा हूँ यार, मैं ऊपर से और मोटा कर रहे हो मेरे को नहीं था। हम लोग के लिए तो मैं भी तो खाऊंगा ना थोड़ा बहुत, लेकिन मोटा आ रहा तो मत खा। हम लोग तुम खाओगे? तो गाइस माशाल्लाह से इफ्तारी का वक्त हो चुका है। इस बार दानिश की मम्मी ने फोन कर दिया, अब्बा ने नहीं फोन किया और मेरी मम्मी यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इफ्तारी कर लेते हैं गाइस। तब तक नीता चलो जल्दी आओ। ए हाँ हाँ हो गया, टेंशन मत लो, हो गया टेंशन मत लो, आ जाओ। हो गया टाइम, हो गया वैसे भी, चलो आ जाओ गाइस। बच गई इस बार, टूटते टूटते रह गए। ए आई सर क्या कर रही है? आम चाहिए, आम चोर। मैंने बनाई थी प्रॉन्स लॉलीपॉप और वो अभी अम्मी खाने जा रहे हैं, तो लेट्स सी अम्मी का रिव्यू क्या होता है हमारे मास्टर शेफ का। यस यस ये है प्रॉन्स, ऐसा है प्रॉन्स लॉलीपॉप। वाओ खोलने में आधा घंटा खोलने में लगा दी अम्मी ने, तो सॉस मस्त है ना, इनको भी बहुत पसंद है। नहीं नहीं बोल के तुम पूरा खा गए थे ना उस दिन, ले जा के बचाए नहीं। प्रॉन्स है, कवरिंग भी प्रॉन्स का ही है। अच्छा उसका ही है। हाँ तुम लोग, लगता है नौशी मेरा व्लॉग नहीं देखती सुफियान। हाँ इसको लगा खाली अंदर प्रॉन्स है, ऊपर कुछ भी नहीं है, पूरा प्रॉन्स का ही है वो। दानिश की दिल खुश कबाब खाने की, अच्छा लग रहा है। खाने में भी मजा। एक बार बनाई थी व्हाइट कलर का, क्या बनाया था? शाही चिकन। वो याद है मैं बनाने वाली थी इसका शाही चिकन, तू उसका दिमाग। सुफियान ने ये बोल दिया तो मैंने दो दो व्हाइट व्हाइट, अच्छा नहीं लगा। अच्छा था ये भी, अच्छा अभी नया टेस्ट करना कुछ। ओ बम का चीज है ना, अच्छा भाई, अच्छा है ना, पूरा पूरा प्योर चिकन है उसमें। अच्छा भाई, अच्छा जल्दी तू खा लो, चल फटाफट। एक तो खत्म होने दे यार, मैं तुमको, चलो फटाफट। चिकन नहीं वो अच्छा लगा। अरे वाह सब अलग अलग अच्छा होने, सब वैरायटी बनाया तुमने तो सब बराबर खा पा रहे। आए भूखी नंगी आई, थोड़ा ले लेती तो दानिश के आधा खा लेती थी ना बाद में। मस्त लग रहा ना, तू पूरा खत्म कर मालूम। खा के तो जरूरत है वैसे मोटे होने की। जा चलो मुबारक हो सबको, सब अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। डर गई है, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? बोले मेरा, बोले मेरे स्टॉल में बैठ गई, बोले मजा आ रही है, मजा आ रही है आपको? हस्ती है, हस्ती है।
बट अभी आज को लंबा राउंड लगा जब क्या हो गया हम लोग अंदर क्या हो गया हम लोग अंदर से आएंगे रुक जाओ टेढ़ा भी कर दिया इसको आइडल आ रही है हटो हटो आइडल आ रही है हटो ये पी पी ये इसकी शक्ल देख तो गाइज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इफ्तारी हो गई और आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो हमारी इफ्तारी अच्छी लगी जी 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 बहुत बहुत पूरी मेहनत निदा की होती है मैं खाली होस्ट हूँ मैं खाली पक करता हूँ तो अभी हम लोग बाहर निकले इफ्तारी करके और जब भी हम लोग दानिश नौशीन अम्मी अब्बा आते तो अम्मी अब्बा तो खैर नहीं बोल सकते बट सिर्फ दानिश और नौशीन का बहुत मन करता है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए यहाँ पे घर हर बार हम लोग निकलते हैं बाहर सुफियान और मैं लेके प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए उनको कोई ना कोई चीज में बताते कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो वहाँ पे इन्वेस्ट करो और एक बार एक घर मिला था गाइस जो हमारे साथ ही था बट कुछ रीजन की वजह से ये लोग नहीं ले पाए नौशीन और दानिश की खुशी के लिए हम लोग फिर से निकल गए बाहर देखने के लिए जबकि हमको पता है आज देख लेते क्या पसंद आ गया तो वापस दिखा के घर पे बात बात करके आएंगे दानिश और नौशीन का मन तो करता है कि यहाँ पर रहे बिकॉज वहाँ पे कार में नहीं निकल सकते पहला डिसएडवांटेज ये दूसरा कि बच्चों को एक्टिविटीज नहीं करा और ये लोग जब भी आते मैं लोगों को जलाता हूँ मैं नई नई चीजें लाता हूँ देखो नौशीन हम लोग यहाँ पर ये कर सकते तू यहाँ रहती तू भी ये कर सकती थी ये लोग का भी मन बहुत है और लोग करना भी चाहते लेकिन वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से कर नहीं पाते बिकॉज वहाँ पे जगह नहीं है जिसके वजह से तो गाइस अभी निकलते हैं और आपको बताते हैं आगे का अपडेट ये लोग का क्या भरोसा है लोग हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाए तो गाइस अब नौशीन और अम्मी से पूछते कैसा लगा हमारा छोटा सा इलाका बहुत अच्छा है ना पीपू पॉपो नहीं है क्राउडेड एरिया नहीं है सब अपने अपने में बिजी लाइफ है नौशीन को शिफ्ट होने गए मैं आ रही हूँ रहने थैली लेके आ रही है इस पर चैलेंज खेल रहे इसके साथ हम लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं देख के घर गाइस लेकिन वो थोड़ा अंदर था तलोजा के साइड तो नौशीन ने डिसाइड करी है कि वो हमारे साथ ही शिफ्ट होने वाली माशाल्लाह मुबारक हो मुबारक हो ए कितना खुश हुई झूठ बोल के देखो आइजल यहाँ रहना आइजल आपको आइजल आइजल यहीं रहेगी आइजल को मैं यहीं रख दूंगा सो जाएगी और ट्रॉली पे दोनों को डाल देंगे स्ट्रॉलर पे और गए निदा ने आज सुबह में इतनी अच्छी हरकत करी है मम्मी तुमको बताओ क्या करी निदा ने आज सुबह में ना जोहान का जो डायपर है हम लोग को मंगाने का था ठीक है और अंडे वगैरह मंगाने का थे इसने ऑर्डर कर दी अब ऑर्डर करने के बाद घर पे ऑर्डर आया ही नहीं पैसा वैसा भर दी ऑर्डर आया ही नहीं नींद में थी तो मैडम ने ना बोले ऑर्डर अभी तक आया नहीं दूसरा ऑर्डर कर दी पहले ऑर्डर का पता ही नहीं इसको कहा रिफंड आ गया रहेगा हमेशा ऐसा होता है कभी कभी तो पहला ऑर्डर कहाँ गया मालूम जहाँ हम लोग का डिशा नंबर घर पे गए ना वहाँ का एड्रेस था ऑर्डर वहाँ चला गया और मैडम को मालूम ही नहीं तो वो तो अच्छा है ईशान का फोन आया बोले कि भाई तुम्हारा ऑर्डर आया तो ऑर्डर जाके मैं भी लेके आ गए वहाँ जाके हम लोग देख के यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत सारी अंडर डेवलपमेंट है अंडर कंस्ट्रक्शन है कोई अगर अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है हमको बताना गाइस कमेंट डाउन यस यस और कोई इन्वेस्टर है तो गाइस वो भी बताना जो हमें स्पॉन्सर कर सके यस गाइस तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि नौशीन को हमारे साथ शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं क्योंकि मम्मी डैडी तो शिफ्ट होने से रहे यहाँ पर वो लोग तो नहीं आने वाले क्या पता नौशीन ही हमारे साथ रह ले तो हम लोग हमारे दोनों बच्चे तो ये लोग दोनों हमारे साथ हो जाएंगे ना एटलीस्ट हमारे बच्चों के साथ में खेल पाए कम से कम है नहीं कैसे आप लोग कॉमेंट आप हाँ कौन ये मैं बोली ए नहीं शिफ्ट नहीं होना है कैंसल हाँ इजल तुम चिल्लाए मामी को हंसती मेरे को देख के तो हंसती से खाली फाइनली इन लोगों के जाने का वक्त आ गया है और निदा स्पेशली यहाँ पर अब्बा के लिए पैकिंग कर रही है गाइस ठीक है और नौशीन को भी खाने का अभी खाई नौशीन अरे बाप रे अरे बस कर दे भाई थोड़े टाइम में तुझको मेरे ब्रांड के कपड़े ही नहीं आएंगे नौशीन पागल हो गई है क्या तू पागल हो गई तक इतना मीठा खा रही है अबे मेरे सामने भर भर के मिल्क में डाली उसने क्या वक्त आ गया इन लोगों के जाने का ये लोग जा रहे हैं बट गाइस जाने के पहले हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को दिखाए जोहान का पहला डायमंड गाइस माशाल्लाह से क्योंकि अभी तक किसी को हम लोगों ने दिखाया नहीं है तो ये दिखा देते हैं इन लोगों को यस चलो देखो कैसा लग रहा है देख मस्त लग रहा है ना तो बच्चों में सबसे पहला डायमंड हम लोग ने आइजल को दिए थे दूसरा अभी हम लोग ने जोहान को दिए आइजल आइजल तेरे पास भी डायमंड है जोहान के पास भी डायमंड है मस्त लग रहा है ना चलो थैंक यू आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या मतलब तुम बोलता था ना गोल्ड मैं पहनूंगी तो डायमंड ही पहनूंगी तभी डायमंड का कितना महंगा डायमंड की रिंग पहनी
बट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ने ये इस काबिल बनाया है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नौशीन भी कुछ करने वाली है, आप लोगों को पता चलेगा उसके व्लॉग में, देख लेना। सो गाइस फाइनली इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, सब लोग चले गए हैं और मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया था गाइस कि हमारा जो इंटरव्यू है टैली मसाला पे मोहम्मद अली रोड का, जिसका हम लोगों ने व्लॉग बनाए थे, वो आ चुका है गाइस, जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, इफ्तार पार्टी 2024 फीट निदा सुफियान, तो इसको भी गाइस उतना ही प्यार देना जितना आप लोग ने पहले वाली इंटरव्यू पे दिए थे गाइस। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़।